नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल दोस्तों। आज की वीडियो में टाटा नैनो के बारे में मैं आपको चार जो टिप्स है बताने जाऊंगा। उस टिप्स को अपना करके आप अपने आप को टाटा नैनो के लिए एक्सपर्ट ड्राइवर अपने आप को समझने लगेंगे। ये जो हमारी टिप्स है, ये जो हमारे टाटा नैनो जो हाल ही में चलाना सीख रहे, उन्हीं के साथ साथ जो लोग काफी समय से टाटा नैनो को चला रहे हैं, उनके भी ये जो टिप्स है काफी काम आएंगी। तो प्लीज आज की वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। तो हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मिंटू, आप इस वक्त है अपने ही यूट्यूब चैनल मिंटू व्हाट्सएप पर। तो चलिए वीडियो को हम आगे शुरू नहीं करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी वीडियो हमारी स्टार्ट ही है। अब थोड़ा चलते चलते बात करेंगे, तो उसके लिए मुझे एक्चुअली में मास्क लगाना पड़ेगा और सीट बेल्ट भी मुझे बांधनी पड़ेगी। तो उसके बाद मैं आपको बताता हूँ वो जो टिप्स है, वो जो उसको क्या टिप्स आपने अपनानी है ड्राइविंग के वक्त, जो नैनो में इस्तेमाल कर पाएंगे। तो देखिए, मास्क लगा लिया है, उसके साथ ही साथ मैं सीट बेल्ट को लगा लेता हूँ और उसके साथ फिर आगे चलते। अब देखिए, सबसे पहला जो पॉइंट हमको देखना है, आप देख पाएंगे जैसे मैं गियर लगा रहा हूँ, फर्स्ट गियर मैंने लगाया है और लगाते ही मैं चल पड़ा हूँ, गाड़ी मेरी निकल पड़ी है अपनी जगह से। तो आप देखेंगे जैसे ही फर्स्ट गियर लगाया और आप देखेंगे स्पीडोमीटर पर, जैसे ही मेरी जो स्पीड है आपका देखिए 15 क्रॉस होते ही मैंने, आप देखिए सेकंड गियर में अब शिफ्ट कर लिया अपने टाटा नैनो को। तो अब आप देख पाएंगे कि जैसे टाटा नैनो को मैंने सेकंड गियर में शिफ्ट कर लिया, अब इसके बाद जो आप लोग गलती करते हैं वो क्या करते हैं कि थर्ड गियर लगाने की आप बहुत ही ज्यादा जल्दी करते हैं। तो थर्ड गियर के लिए आप देखेंगे जैसे ही मेरी टाटा नैनो की स्पीड आप देखेंगे जैसे ही 30+ हो जाएगी, उसके साथ साथ ही मैं अपनी टाटा नैनो को थर्ड गियर में लगा दूंगा। देखिए जैसे 30+ मेरी टाटा नैनो की स्पीड जाती है, उसके साथ ही मैंने अपनी टाटा नैनो को थर्ड गियर में लगा दिया। आपको भी इसी बात का ही ध्यान, इसी बात का ही ख्याल आपको रखना है कि जैसे ही आप थर्ड गियर लगाती है उस वक्त आपकी टाटा नैनो की जो स्पीड है 30+ होनी चाहिए। आप क्या गलती करते हैं कि उस वक्त जब आपकी नैनो की स्पीड 20 पार कर जाती है, तभी उसी टाइम पर ही आप थर्ड गियर लगा देते हैं, उससे हमारी गाड़ी पर टाटा नैनो के इंजन पर लोड पड़ता है। तो उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब आपने अपनी टाटा नैनो के लिए आपने जब फोर्थ गियर लगाना चाहते हैं, तो फोर्थ गियर लगाने के लिए आप देख पाएंगे कि अगर हमारी टाटा नैनो की जो स्पीड है 45+ हो जाती है, तो आपको फोर्थ गियर शिफ्ट कर लेना चाहिए। तो देखिए, इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ, अक्सर आप लोगों की जो शिकायत होती है वो मेरे पास आती है कि मिंटू भाई, जो टाटा नैनो का जो गियर है उसको अटकता है वो काफी, मतलब कभी सेकंड गियर आपका अटक जाता है तो कभी थर्ड गियर आपका अटक जाता है। तो बहुत ज्यादा शिकायत ये भी आती है कि आपका रिवर्स गियर और बैक गियर भी आपका अटकता है। तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्या टिप्स अपनानी है जिसके लिए आपका जो गियर है वो नहीं अटकेगा। तो देखिए, उसके लिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे भी मेरी गाड़ी स्टैंड बाई चल रही है, आप देख पाएंगे जैसे मैं गियर को शिफ्ट करता हूँ, पहला गियर लगाने के बाद ही मैं अगर सेकंड गियर मुझे लगाना है, जैसे मेरी स्पीड पकड़ जाती है, तो उसके बाद आप देखेंगे मैं न्यूट्रल पर इसको लेकर के आता हूँ, न्यूट्रल पर लाने के बाद मैं इसको सेकंड गियर में शिफ्ट करता हूँ। तो ठीक ऐसे ही आपको करना है। आप लोग क्या करते हैं, धड़ल्ले से ही गियर आप फर्स्ट एकदम से सेकंड पर, सेकंड से थर्ड पर ले जाते हैं, ऐसा आपको नहीं करना है। और उसके साथ साथ जैसे ही अब आपको गियर शिफ्ट करना है, तो फिर तुरंत आप न्यूट्रल पर लेकर के आएंगे और तुरंत आप गियर को शिफ्ट कर देंगे। तो देखिए, अब बैक गियर के बारे में मैं आपको बता देता हूँ, जैसे ही बैक गियर हम कभी कभी लगाते हैं, तो आप देखेंगे कि जब बैक गियर हम लोग लगाते हैं, तो देखेंगे जैसे बैक गियर जब हम लगाते हैं, तो जैसे गियर लगाने की कोशिश करते हैं तो गियर हमें अटकने लगता है। तो आप क्या करते हैं कि न्यूट्रल पे लगते हैं, फिर दोबारा उसको बैक गियर लगाने की कोशिश करते हैं, वो तब भी अटकता है। तो ऐसी कंडीशन में आपने क्या करना है, जब आपका गियर अटकता है, सेकंड गियर हो या बैक गियर हो, तो आपको तुरंत ही अपनी गाड़ी को न्यूट्रल पर लेकर के आनी है। उसके साथ ही साथ आपने क्लच से भी पैर हटा देना है। आप लोग क्या गलती कर रहे हैं, क्लच को दबाए रखते हैं, लेकिन ऐसे टाइम पर जैसे आप गाड़ी का गियर नहीं लगता है, न्यूट्रल पर लाने के बाद क्लच को छोड़िए, फिर दोबारा क्लच को दबाइए, फिर दोबारा जब आप गियर लगाएंगे तो वो गियर आपका इजीली लग जाएगा, चाहे वो फर्स्ट गियर हो, सेकंड गियर हो, थर्ड गियर हो, कोई भी आपका भले ही गियर क्यों ना हो। तो ये तो रही पहली टिप्स जो मैंने आपको भी बताई है। दूसरी टिप्स के बारे में जो आपको मैं बताता हूँ, उसके लिए वो क्या टिप्स होती है, वो हाईवे के लिए हमारी काम करती है। हाईवे में क्या होता है, जब आप लोग गाड़ी को चलाते हैं, तो उस वक्त आप देखते हैं कि जब आपकी गाड़ी की स्पीड जो है 70 से 80 होती है, तो उस वक्त जब आप ब्रेकिंग का इस्तेमाल करते हैं, तो आप जो ब्रेक लगा देते हैं वो आप क्लच दबाने के बाद आप ब्रेक लगाते हैं, ऐसा आपको नहीं करना है। जब भी हमारी टाटा नैनो की स्पीड जो है 70 या 80+ होती है, तो उस टाइम पर हमें अपनी टाटा नैनो में जब भी ब्रेक का इस्तेमाल करना है, तो पहले क्लच को नहीं दबाना है, पहले हमने ब्रेक लगानी है। जैसे ही ब्रेक लगाने के बाद हमारी टाटा नैनो की स्पीड 30 से नीचे आ जाती है,
उसके बाद आपको क्लच दबा लेना है। लेकिन आप लोग क्या करते हैं कि ऐसी कंडीशन में आप क्लच का इस्तेमाल नहीं करते हैं, ब्रेक दबा देते हैं, आपकी गाड़ी की स्पीड कम हो जाती है। तो आप उसी गियर पर, मान लीजिए फोर्थ गियर में गाड़ी चला देते तो फोर्थ गियर में ही गाड़ी को आप उठा देते हैं, ऐसा नहीं करना है। जब भी हमारी गाड़ी की स्पीड कम होती है आपको जो गियर नीचे वाले जो गियर लगाना होता है उसको लगा लेना चाहिए। जैसे ही आपकी 20 से 25 की स्पीड आ जाती है तुरंत आप इसके अंदर सेकंड गियर लगा लीजिए, क्योंकि 30 से प्लस होने के बाद ही आपको थर्ड गियर लगाना है। 30 से नीचे आपको इसका जो है हमारा सेकंड गियर पर ही गाड़ी चलानी है। और हाईवे में आप ध्यान रखिएगा, कभी भी आप नैनो को ज्यादा स्पीड में मत भगाइएगा, क्योंकि एक्चुअली ऐसे में जब भी ब्रेकिंग का इस्तेमाल हमें करना पड़ता है तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। और दूसरा, जब भी स्पीड ब्रेकर पर आप गाड़ी चलाते हैं, रैम्बल शिफ्ट जो होते हैं उस पर भी आप लोग क्या गलती करते हैं कि जब आप उस पर गाड़ी को चलाते हैं तब भी आप गियर शिफ्ट नहीं करते हैं। उसमें क्या होता है कि आपका आगे वाला पहिया तो निकल जाता है लेकिन जो पीछे वाला पहिया होता है वो आपका फंस जाता है, तो इसकी वजह से आपकी गाड़ी जो है, आपकी जो नैनो जो है वो बंद पड़ जाती है। तो इसीलिए जब भी आप स्पीड ब्रेकर पर अपनी गाड़ी को लेकर के आते हैं वहां भी आपने गियर को शिफ्ट करना है, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है कि जब भी आप गियर को शिफ्ट नहीं करते हैं तो ये उसके लिए सही नहीं रहता है, हमारे इंजन पर लोड पड़ता है। तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि जब भी आपकी गाड़ी, अगर गाड़ी आपकी मूव नहीं कर रही है, जैसे आपकी गाड़ी बिल्कुल रुक चुकी है, तो आपको फर्स्ट गियर में लाकर के ही अपनी गाड़ी को उठाना है। कई लोग क्या गलती करते हैं कि अगर उनकी गाड़ी सेकंड गियर में या थर्ड गियर में होती है तो उसी गियर में ही उस गाड़ी को उठाने की कोशिश करते हैं, ऐसा आपको नहीं करना है। अब देखिए, बातों बातों में ही अब हम फ्लाईओवर पर आ चुके हैं, तो अब मैं आपको जो हमारी जो तीसरी जो टिप्स है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तीसरी जो टिप्स है हमारी हिल से रिलेटेड है। जब आप पहाड़ी एरिया में जब आप ड्राइविंग करते हैं तब आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो उसको बताने के लिए आपको बता देता हूँ कि जब जैसे ही मान लीजिए सबसे ज्यादा ध्यान आपको ये रखना है कि आपको जब भी ऐसे पहाड़ी इलाकों में ऊपर से जब आप नीचे आते हैं तो उस वक्त आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपकी जो गाड़ी है टाटा नैनो को आप फोर्थ गियर पर मत चलाइए, क्योंकि अगर आपकी टाटा नैनो फोर्थ गियर पर होती है तो ऐसी ढलान भरी सड़कों पर एक्सीलेटर नहीं देने के बावजूद भी आपकी टाटा नैनो की स्पीड जो है 60 से 70 चली जाती है। तो उस कंडीशन में हमें जब अपनी गाड़ी को अचानक से कंट्रोल करना पड़ता है तो काफी मुश्किल आ जाती है, और ऐसी स्थिति में हमारी जो गाड़ी है स्किड भी कर जाती है। तो आपको ध्यान रखना है, जब भी आप ऐसे ढलान भरी सड़क पर आपने उतरना है तो आप अपनी गाड़ी को सेकंड या थर्ड गियर में ही लगा लीजिए, क्योंकि लोडेड गियर में होने से हमारी गाड़ी की स्पीड अगर एक्सीलेटर नहीं दबाते हैं तो वो ज्यादा स्पीड को नहीं पकड़ पाएगी, जिससे कि हम जल्दी से अपनी गाड़ी को कंट्रोल भी कर पाएंगे। तो इन चीजों का ध्यान आपने रखना है जब आपकी गाड़ी नीचे उतर रही है ढाल पर, उस वक्त काफी आपको चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। जब आपकी गाड़ी ऊपर से नीचे आ रही है तब इस टिप्स को आप अपनाएंगे तो आपको इस सभी प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं चढ़ाई पर, जब हम गाड़ी को चढ़ा रहे हैं, जब भी हम गाड़ी को पहाड़ पर जब भी चढ़ाते हैं तो हमें ये ध्यान रखना है कि आपने जो गियर गाड़ी का लगता है वही गियर लगाइए, क्योंकि हमारी टाटा नैनो जो है पहाड़ पर जब चलेगी तो सेकंड या थर्ड गियर पर ही चलेगी हमारी टाटा नैनो, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है कि हमारी टाटा नैनो को फोर्थ गियर तक लाने के लिए इसका जो है हमारा 45 या 50 की स्पीड होना चाहिए। लेकिन ऐसी सड़कों पर जो पहाड़ी सड़कें आपको मालूम है वहां पर मोड़ होती है, तो उस रोड पर 45 से 50 की स्पीड हमारी टाटा नैनो नहीं पकड़ पाती है, कोई भी गाड़ी नहीं पकड़ पाती है, तो उस समय हमारी टाटा नैनो सेकंड या थर्ड गियर पर ही चलेगी। तो आपको उसी गियर पर ही अपनी गाड़ी को चलाना है। अब देखिए, जैसे आपको पहाड़ पर ऐसे रोकना है जो ट्रैफिक है, तो आपको ध्यान रखना है आगे जो गाड़ी खड़ी है उससे आपने काफी डिस्टेंस बनाकर ही अपनी गाड़ी को रोकना है, क्योंकि सामने वाला जब अपनी गाड़ी को चलाएगा तो उसके बाद हो सकता है कि उसकी गाड़ी थोड़ा सा नीचे आएगी, क्योंकि जो पेट्रोल की गाड़ियां होती है वो नीचे आ जाती है इस वनस्पति, इसके जो हमारी डीजल की गाड़ियां होती है उनका आरपीएम ज्यादा होता है। तो जब हम उसमें से ब्रेक से आप देखेंगे, जब हम ब्रेक से पैर को हटा करके एक्सीलेटर तक लेकर के आते हैं उस टाइम पर हमारी जो गाड़ी है पीछे आ जाती है। जैसा देखेंगे, मैंने हैंड ब्रेक इसमें हटा दिया, तो जैसे मैं देखिए ब्रेक से पैर हटाता हूं तो आप देखेंगे गाड़ी मेरी नीचे आ जाती है नीचे। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि आपको सबसे पहले आपको गियर लगा देना है, ब्रेक से पैर हटाते ही एकदम से एक्सीलेटर पैर लेते ही और क्लच को छोड़ देना है, तो आपकी गाड़ी मूव कर जाएगी, थोड़ा सा ही आपकी गाड़ी नीचे आएगी। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है, अगर आपके पीछे गाड़ी, आपको इस आईआरवीएम पर देख लेना है कि जो पीछे आपकी गाड़ी खड़ी है वो कितनी दूरी पर रहेगा, अगर वो गाड़ी आपके बिल्कुल पास खड़ी है, उसने ज्यादा डिस्टेंस नहीं लिया है आपकी टाटा नैनो के साथ, तो आपने क्या करना है कि
उस वक्त आपने हैंड ब्रेक का भी इस्तेमाल करना है। देख सकते हैं जैसे मैंने हैंड ब्रेक लगाई है, तो उस वक्त आपको हैंड ब्रेक लगाने के साथ फर्स्ट गियर लगाने के साथ ही आपको तुरंत ब्रेक से पैर हटा देना है, आपका ब्रेक वाला पैर आपका फ्री हो जाता है। तो उसके बाद आपको एक्सीलेटर दबा लेना है, एक्सीलेटर दबाने के साथ साथ ही आपको क्लच छोड़ते छोड़ते हैंड ब्रेक छोड़ देनी है, तो आपकी गाड़ी इस कंडीशन में पीछे नहीं जाएगी। तो ये वो टेक्निक है जो पहाड़ों पर हमको इस्तेमाल करनी पड़ती है। साथ ही साथ एक हाफ क्लच भी होता है जिस पर हम गाड़ी को चलाते हैं, तो उसमें हमारा क्लच और जो हमारा एक्सीलेटर है उस पर ही कंट्रोल रहता है, लेकिन उसके लिए काफी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। उस पर भी मैं एक वीडियो बना दूंगा कि हाफ क्लच में आपको अपनी गाड़ी को कैसे चलाना है। तो देखिए, इस बात का भी आपने ध्यान रखना कि हिली एरिया में आपको चढ़ाई पर और ढाल पर किस तरह से अपने टाटा नैनो को चलाना है। ये जो मैंने आपको टिप्स बताई आप इसका ध्यान रखिएगा। तो इसके साथ ही साथ मैं आपको चौथी टिप्स जो सबसे अहम है वो भी बता देना चाहता हूँ। हाईवे पर जब हम लोग गाड़ी चलाते हैं तो हाईवे पर क्या होता है कि जब हम लोग गाड़ी चलाते हैं नाइट में, हम नाइट की बात कर लेते हैं, नाइट में क्या होता है कि अगर आप सिटी के अंदर गाड़ी चला रहे हैं तो कोई ज्यादा प्रॉब्लम का सामना आपको नहीं करना पड़ता है। और उसके साथ ही साथ जब भी आपको नाइट में गाड़ी चलानी है तो आप देख पाएंगे विंडस्क्रीन जो आपकी है, विंडशील्ड जो आपके, इसको आपको बिल्कुल क्लीन कर ही रखना है बाहर से भी, उसके साथ साथ अंदर से भी। अक्सर आप लोग बाहर से तो क्लीन कर लेते हैं लेकिन अंदर से इसकी सफाई करने में आनाकानी कर जाती है, तो हफ्ते में एक बार इसको अंदर से भी आपने क्लीन कर लेना है। क्योंकि ऐसी स्थिति में जब हम क्या करते हैं आप लोग कि जैसी धूल मिट्टी हमारी विंडस्क्रीन पर होती है तो आप इसका वाशर फ्लूइड का पानी चला देते हैं, तो उससे क्या होता है जो मिट्टी इस पर लगी होती है उसके साथ ही साथ जब वाइपर चलता है तो उसका एक प्रकार का पोचा इसमें लग जाता है, जिसकी वजह से हमारी विंडस्क्रीन पर स्क्रैचेस आ जाते हैं। तो सबसे पहले अगर आपके विंडस्क्रीन पर धूल मिट्टी होती है तो आपको कपड़े से साफ कीजिए, किसी पानी से साफ कीजिए, उसके बाद आप वाइपर का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ जो आपका वाशर फ्लूइड होता है उसके अंदर आपने किसी भी तरह का शैम्पू का इस्तेमाल नहीं करना है, किसी भी तरह का आजकल काफी सारे प्रोडक्ट भी मार्केट में आ रहे हैं के लिए उसका यूज आप मत करिए। क्योंकि अगर आप उसका इस्तेमाल करते हैं तो अर्ली मॉर्निंग या रात के समय में हमारी विंडस्क्रीन पर उसकी वजह से जो है फॉग भी इकट्ठी हो जाती है, जैसे वो फॉग आप साफ करते हैं थोड़ी देर बाद वो दोबारा वो फॉग आ जाती है, इसलिए आप उस शैम्पू का भी इस्तेमाल मत कीजिए। क्योंकि अगर आप विंडस्क्रीन आपकी साफ होगी तो रात को ड्राइविंग करने में आपको बड़ी आसानी हो जाती है। तो हिली एरिया में क्या होता है कि रात को ड्राइविंग करना आसान इसलिए हो जाता है कि दिन में जब हम मोड़ों पर चलते हैं तो हमें पता नहीं चलता कि आगे से मोड़ से कोई गाड़ी आ रही है या नहीं आ रही है, लेकिन जब नाइट में सफर करते हैं तो पता लग जाता है उनकी लाइटों से कि हाँ भाई आगे से कोई गाड़ी आ रही है या नहीं आ रही है। लेकिन नाइट के समय भी आपको बहुत ही अलर्ट होकर के गाड़ी चलाना चाहिए। और इसके साथ ही साथ अगर आप हाईवे पर गाड़ी चला रहे हैं रात में तो डबल लेन जो हाईवे होता है उनमें तो ज्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन जो हमारा सिंगल लेन जो हाईवे होता है वहां पर हमें प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि सामने से आने वाली गाड़ी की लाइट भी हमारे ऊपर पड़ती है। तो ऐसे टाइम पर आपको अपनी टाटा नैनो के हाई बीम और लो बीम पर गाड़ी चलानी चाहिए। हाई बीम पर जैसे आप गाड़ी चला रहे हैं आप देखते हैं कि सामने से कोई गाड़ी अगर आ रही है तो तुरंत आप अपनी गाड़ी की हेडलाइट को आप लो बीम पर रखिए, क्योंकि जैसे आप गाड़ी को लो बीम पर रखेंगे सामने वाला भी आपको रिस्पेक्ट देगा, उन्होंने तो वो भी अपनी गाड़ी को लो बीम पर कर लेगा, तो उससे आपको सामने देखने में आसानी रहेगी। अगर वो अपनी गाड़ी को लो बीम पर नहीं करता है तो आपने क्या ध्यान रखना है देखेंगे, जैसे आपको रोड ये दिखाई दे रही है आपने एक लाइन पकड़कर अपनी चलनी, आप देख सकते हैं जैसे कि व्हाइट लाइन आपको बाउंड्री पर दिखाई दे रही है, आपको ये व्हाइट लाइन ही देखते हुए चलना है रात के समय जब भी आपने सफर करना है। लेकिन सबसे एक अहम और मूल मंत्र जो टाटा नैनो की ड्राइविंग के लिए होता है वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आपको जब भी अपने टाटा नैनो को चलाना है तो एक कंट्रोल स्पीड में ही आपने अपनी टाटा नैनो को चलाना है। क्योंकि ऐसी जो सिंगल सड़कें होती है रात के समय ड्राइविंग करने पर आपको रास्ते के खड्डे वगैरह या टूटी फूटी सड़कें आपको दिखाई नहीं देती है, अगर आप ओवर स्पीड में होंगे तो आपकी गाड़ी जैसे ही खड्डे में जाएगी तो हमारी टाटा नैनो के टायर में पंचर भी हो सकता है, टायर फट भी सकता है और भी काफी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम इसके लिए आ सकती है। तो मूल मंत्र यही है कि आपने अपनी टाटा नैनो को हमेशा एक कंट्रोल स्पीड में ही चलाना है जिससे कि आप इसको जल्द से जल्द कंट्रोल कर पाए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज की ये वीडियो, आज के टिप्स पसंद आए होंगे, और अगर आपके पास भी कोई टिप्स है जो आप शेयर करना चाहते हैं जिससे आपको लगता है कि यार वो टिप्स को अपना करके आप टाटा नैनो में महारत हासिल कर सकते हैं इसको चलाने के लिए, तो उसको भी आप शेयर कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक शेयर और वीडियो को और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, जय जवान जय किसान जय हिंदुस्तान जय महाकाल।